हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक करने के बाद कितनी अर्निंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि जब आप यूपी पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो जो आपकी जॉब लगेगी उसमें आपकी क्या सैलरी होगी और उसमें इंक्रीमेंट किस हिसाब से होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि भाई हम पॉलिटेक्निक तो कर रहे हैं मगर जब हम पॉलिटेक्निक कर लेंगे उसके बाद जो हमारी जॉब है वो कितनी सैलरी पर लगेगी। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और MNC कंपनीज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए, गवर्नमेंट का जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है क्रैक करना, और उसके बाद जो सैलरी है वो तो ऑब्वियसली अच्छी होती है, यानी कि 40,000, 45,000, 50,000 तक हो जाती है इजीली, और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट भी होता रहता। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट को तो साइड में रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सैलरी है वो ऑब्वियसली अच्छी होती है और उसका एग्जाम भी काफी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है वो आता है कि प्राइवेट सेक्टर और MNC कंपनीज में कितनी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक करते हैं उसके बाद जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे यानी कि फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 8,000 से स्टार्टिंग मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 8,000 रुपये पॉलिटेक्निक होल्डर्स को देते हैं कंपनीज वाले। ठीक है, एज अ टेक्नीशियन लेते हैं आपको, उसके बाद थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करते हैं 8% या 10% या 12% पर ईयर। ठीक है, और बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका इंक्रीमेंट भी नहीं होता, जो कारखाने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर में 10,000 से स्टार्टिंग इजीली मिल जाएगी, यानी कि अगर आप यहाँ पे किसी कंपनी में जाते हैं 10,000-12,000 से आपको इजीली स्टार्टिंग मिल जाएगी, और जो आपकी सैलरी है 15,000-20,000-25,000 तक हो जाती है। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी पॉलिटेक्निक करने के बाद मैं जॉब करने जाऊं और डायरेक्ट मेरी सैलरी 20,000 या 25,000 हो, तो आप लोग गलत हैं। ठीक है, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है, या तो आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं और अगर कोई बाहर की कंपनी आती है वो आपको ऑफर करती है तभी आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है 2018 में जामिया मिलिया इस्लामिया के एक स्टूडेंट को 70,00,000 का पैकेज मिला था USA में। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोग ये न्यूज की कटिंग देख सकते हैं जो कि हिंदुस्तान पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था, और उनको जो ऑफर मिला था वो 70,00,000 पर ईयर का पैकेज था USA में। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स की सैलरी ज्यादा नहीं होती तो आप लोग गलत हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से लाखों में पैकेजेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं MNC कंपनी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो कितना ऑफर करती हैं। तो देखिए, वहां पे आपकी सैलरी जो है अच्छी होती है और वहां पे आपको फैसिलिटीज भी अच्छी दी जाती हैं। ठीक है, बहुत सी इंडिया में कंपनीज ऐसी हैं जो MNC हैं वो आपको 16,000-18,000 से स्टार्टिंग करती हैं, और उसके बाद उसमें ओवरटाइम भी होता है, ओवरटाइम से आप लोग 30,000-35,000 भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने, जिनके साथ मैंने पॉलिटेक्निक किया था, कुछ MNC कंपनीज में है जिनकी जो सैलरी है 20,000 इस टाइम ऑन पेपर, यानी कि जो विदाउट ओवरटाइम मिलती है उन्हें वो 18,000-20,000 मिलती है, मगर जब वो ओवरटाइम करते हैं तो वो सैलरी उनकी 30,000-28,000 तक पहुंच जाती है। और जो उनका टाइमिंग होती है वो होती है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और सैटरडे संडे में वो ओवरटाइम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं MNC कंपनी में जो ओवरटाइम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। मगर अगर आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज जो आपको 11,000-12,000-13,000 ही देंगी, और जो आपका इंक्रीमेंट होता है उसमें वो 10% पर ईयर होता है, यानी कि अगर आपको 10,000 रुपये मिले हैं तो आपके अगले साल जो इंक्रीमेंट होगा वो सिर्फ 1,000 रुपये का होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट नहीं होने का, मगर यहाँ पे MNC कंपनीज में इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद सिर्फ जॉब करें तो आप लोग गलत हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक करिए, बीटेक के बाद जो आपकी सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और इंक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मैंने तो बीटेक भी कर रखा है, मेरी जॉब नहीं लग रही। तो देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप लोग बीटेक के बाद भी क्या कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो जाके ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर में कितना पे कर रहे हैं और MNC कंपनीज में कितना पे कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपको 11,000-12,000 स्टार्टिंग मिल जाएगी और मैक्सिमम 20,000-25,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 3-4 साल में। और MNC की अगर हम बात करें, आपको स्टार्टिंग से 14,000-15,000 मिल जाएगा इजीली, वहां पे आपको बॉन्ड भी रह सकता है। आप जब भी साइन करें कंपनी यानी जॉब वगैरह, तो आपको बॉन्ड देख लेना कि बॉन्ड कितने साल का है और आपकी जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल वो क्या रहेगी। ठीक है, और वहां पे जो आपकी सैलरी है 15,000-16,000 से स्टार्टिंग होगी, प्लस ओवरटाइम रहेगा, और
आपका इंक्रीमेंट भी उसमें अच्छा होगा, 30-35-40 हज़ार तक आप अर्निंग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इंडिया से बाहर निकल जाते हैं गल्फ वगैरह में, तो वहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक होल्डर्स को इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ तो 60-65 हज़ार से स्टार्टिंग ईजिली हो जाती है। और अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि पॉलिटेक्निक होल्डर्स आउट ऑफ इंडिया कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कैसे जाना है, क्या प्रोसेस होता है, तो उस पर भी मैं पूरी कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।